नमस्कार साथियों, आज शिवलिंगी के गुणों से परिचित होंगे। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, शिवलिंगी यानी इसके जो बीज रहते हैं वह शिवलिंग के समान होते हैं। यह एक एनुअल क्लाइंबर प्लांट होता है जो कि बारिश में बागड़ों और बगीचों के बीच में उगता है। इसके जो पत्ते रहते हैं करेले के पत्तों जैसे होते हैं। जो फूल रहते हैं वह एक ही पत्ते के कोण से नर और मादा फूल अलग अलग निकलते हैं। जो नर फूल रहते हैं वो 3 से 4 निकलते हैं और जो मादा फूल रहते हैं वो 1 से 3 फूल निकलते हैं। इसके जो फल रहते हैं वो गोल लाल 8 से 10 सफ़ेद बिंदियों वाले, सिरे पर सूक्ष्म भूरे रंग की बैठी हुई अणी होती है। फल से हरापन लिए हुए चिकना रस निकलता रहता है। जो बीज रहते हैं वह भूरे रंग के 1/4 इंच लंबे 1/4 इंच चौड़े, ये ऊपर से खुरदुरे और जलाधारी शिवलिंग जैसे होते हैं। इसके गुण देखें तो ये चरपरी, नरम, दुर्गंधित, सर्वसिद्धिदायक और पारे को बांधने वाली होती है। गर्भधारण के लिए तो मेंसेस पीरियड के बाद शिवलिंगी के 5 बीज से लेकर 11 बीज तक एक एक बढ़ाते हुए ठंडे पानी के साथ सेवन करें। 11 बीज होने पर बंद कर दें, आपको गर्भधारण हो जाएगा। या फिर शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक की जड़, नीली अपराजिता की जड़ ये समान मात्रा में लेकर गाय के दूध में पीस लें और 4-4 ग्राम की गोली बना लें। मेंसेस पीरियड के बाद 3 दिन तक हर दिन 1 गोली दूध के साथ सेवन करें। या फिर शिवलिंगी के बीज 5 ग्राम, शंख पुष्पी की जड़ 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। फिर 5 ग्राम चूर्ण चौथे दिन से, मेंसेस पीरियड के चौथे दिन से रात को गाय के दूध के साथ सेवन करें। इस तरह से इन उपायों का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपको गर्भधारण आसानी से हो जाएगा। इस तरह की ये जो बहुत ही उम्दा जानकारियाँ जो हैं हमारे ही चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो ऐसी जानकारियाँ हासिल कर फ़ायदा उठाते रहिए। और आगे भी इस तरह की जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने वालों के साथ शेयर करना चाहें, उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाना चाहें तो शेयर भी कर दीजिए। अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहें, हमें भी बूस्ट करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।